ओम, मैं प्रिया शिंदे इस योग कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है पंचक्लेश। पातंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय साधन पाद में इसका वर्णन किया है। पंचक्लेश का सूत्र है अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंचक्लेशः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश है और अविद्या पंचक्लेशों की जननी है। मनुष्य जन्म पीड़ा से होता है और उसे जाते वक्त भी पीड़ा होती है। अविद्या यानी अपवित्र को पवित्र मानना, अनित्य को नित्य मानना, जो दुख देने वाला है उसे सुख देने वाला समझना, ये अविद्या है। और इसके बाद है अस्मिता। अस्मिता यानी अहंकार, मई की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर एक गुरु और शिष्य का उदाहरण देना चाहूँगी। एक दिन गुरु जी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उनका शिष्य दिखाई देता है और वह शिष्य गुरुजी को देखकर प्रणाम वंदन नहीं करता। तो गुरुजी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तो मेरा शिष्य है और मुझे प्रणाम वंदन नहीं करता, यह कैसा शिष्य है? तो ये गुरुजी के मन में जो प्रश्न उठा है, ये अहंकार मय की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद है राग। राग यानी ज़्यादा लगाव, आसक्ति। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हम ज़्यादा लगाव रखते हैं, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो यह दुख का कारण हो जाता है। इसके बाद है द्वेष। पहले से हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा होती है और इस वजह से हम उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं। जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष उतना गहरा क्लेश। इसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश में व्यक्ति को पता रहता है कि हम एक ना एक दिन मरने वाले हैं, फिर भी आसक्ति रहती है। उस आसक्ति की वजह से व्यक्ति में मृत्यु का डर रहता है। और ये जो पंचक्लेश है हमारे वृत्तियों के साथ रहते हैं और दुख को उत्पन्न करते हैं। ये पंचक्लेश व्यक्ति में चार अवस्था में रहते हैं। ये चार अवस्था है प्रस्तुत, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रस्तुत यानि निष्क्रिय, तनु यानि कमजोर या ढीला ढाला, विच्छिन्न यानि खंडित और उदार यानि प्रचुर मात्रा में। तो यह पंचक्लेश जो है तो इसका उपाय बताया है क्रियायोग। क्रियायोग यानि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप में तपस्या करनी है, स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन करना है और ईश्वर प्रणिधान में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह कार्य 100% ईश्वर को समर्पित करना है, यह ईश्वर प्रणिधान है। तो ये जब हम क्रियायोग करते हैं तो ये पंचक्लेश है ये इसकी मात्रा कम होती है, यह पीड़ा कम होती है। धन्यवाद।